नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेडो। निर्माण कार्य का नाम आते ही प्रदेश की दुर्दशा का पता लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के निर्माण कार्य का जिम्मा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने ठेका पद्धति के माध्यम से कुछ अलग अलग कंपनियों को दी थी। उसी में शहडोल में 3 पेचों में काम होना था, जिसमें से शहडोल से मनेन्द्रगढ़ का काम दिलीप बिटकॉइन ने निर्धारित अवधि से पहले ही कर दिया। दूसरा पेज उमरिया से कटनी का था, जिसका कार्य भी पिछले साल पूरा हो चुका है। अब बात आती है तीसरे पेज की, जो उमरिया से शहडोल का था, लेकिन इस पेज को कब पूरा किया जाएगा ये बता पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, बात चिंताजनक बन जाती है, क्योंकि 333 करोड़ का भारी बजट इस प्रोजेक्ट में आवंटित किया गया है, फिर भी 6 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की कोई भी मंशा इसे पूरा कराने में नजर नहीं पड़ती। और सरकार के इस रवैये को देखकर ये भी पता लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में भी ये पेंच कार्य यूं ही निपुण होगा। अब इन कंपनियों की निर्माण कार्य करने की मंशा न जाने कब की है, लेकिन दोनों कंपनियों ने ये जरूर किया कि पहले निर्मित सड़कों को खोद दिया, जिससे कि शहडोल से उमरिया तक सड़कों पर अलग अलग स्थानों पर गड्ढे और धूल मिट्टी नजर आती है। इन सड़कों पर चलना राहगीरों को कई मुसीबत से रूबरू करवा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बिल्कुल वही हाल है प्रदेश में आम जनों का। अब इस बात को आज तक भी समझ पाना मुश्किल सा लगता है कि निर्माण 1, 2 या 5 स्थानों से शुरू न करके जिन स्थानों से क्यों शुरू किया जाता है। कहीं दाएं तो कभी बाएं मार्ग की सड़क खोद दी जाती है, जगह जगह खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं, हरे जो सड़क बनी भी है उनके लिए छोड़ दें। अब क्या काम न होने की वजह ये जानते हैं तो उमरिया और शहडोल के बीच लगभग 73 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से GVR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को साल 2015 में 333 करोड़ का ठेका दिया गया था, जो एक चेन्नई स्थित कंपनी है। उस कंपनी ने काम जरूर शुरू किया, लेकिन पता नहीं ये काम अधर में क्यों लटक गया। अब इस निर्माण कार्य के लिए सड़क तो खोद दी गई, लेकिन ये खोद निर्माण कार्य के लिए नहीं, दुर्घटनाओं के लिए खुली छोड़ दी गई। अब यही निर्माण कार्य दूसरी कंपनी को सौंपी, जिसका नाम है तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी, जिस पर 1 वर्ष पहले भी करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है। अब 6 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जब हमने इस कंपनी के ओनर पदम सिंघानिया से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने उनके शहडोल में स्थित ऑफिस में संपर्क किया तो कुछ ऐसा जवाब मिला। हेलो, हाँ जी, जी मैं VNS से बोल रही हूँ, वोकल न्यूज शहडोल से। अभी रिसेंटली हम एक न्यूज कवर कर रहे थे, तो हम एक इन्फॉर्मेशन से रूबरू हुए कि एक आपकी कंपनी को उमरिया से शहडोल तक का एक पेंच वर्क का काम रह रहा है आपकी कंपनी का। तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्यों रह रहा है वो, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं हमारे साथ? कहाँ से बोल रहे हैं? VNS, वोकल न्यूज शहडोल। तो क्या चाहिए आपको? क्यों देरी हो रही है प्रोजेक्ट में, क्यों, क्या मुसीबत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा आप कुछ बता सकते तो। मैं अब क्या बताऊं, मैं एक मिनट लाइन पर रहेंगे जी। हेलो मैडम, बता रहा हूँ जी। तो मैं यही अब इस जवाब से ये साफ हो गया कि कंपनी कितने पानी में है। वर्तमान में कार्य इन्हीं दोनों कंपनियों के बीच 70 और 30 आंकड़े में फंसा हुआ है। अब इन सड़कों के न बनने से आम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2015 से अब तक शहडोल से लेकर उमरिया मुख्यालय तक के मुख्य मार्गों में पड़ने वाले थानों में दर्जनों सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े निकाले जाएं तो पहले की तुलना में अधिक मात्रा में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और इन मौतों का कारण कंपनी के द्वारा खोदे गए ये गड्ढे हैं। जब इसी के चलते सभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क से पूछा गया तो उनका कहना था कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कराने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है,
दिसंबर 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। कितना प्रशासन निर्माण कार्य कराने में पीछे लगा हुआ है ये हम सब भी जानते हैं, और वो रिकॉर्डिंग से तो बिल्कुल साफ हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक प्रशासन ये निर्माण कार्य कराने में समर्थ होती है और कब तक लोगों को मुसीबतों से घिरे रहना पड़ता है। धन्यवाद आज की खबरों में, बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।